वेल हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। लास्ट लेसन के अंदर मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने क्या पूछा था आपसे, एक्सीलेशन पूछा था। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, कुछ इसमें आपको करना ही नहीं था, सिर्फ एक्सीलेशन निकालना था ग्राफ के थ्रू। क्या था इसका आंसर वो बताती हूँ। ग्राफ बना लो पहले, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी दे रखी है, उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 20, देन आपकी 15, या आपका 10, या आपकी 5, या आपका 0, और टाइम आपको दे रखा है 0, 2, 4, 6, ठीक है। 0, 2, 4, 6 आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम दे रखा है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ज़ीरो वेलोसिटी पे टाइम ज़ीरो है, यानी कि यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता हुआ आपका ऐसे जा रहा है नीचे 6 तक, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है यूनिफॉर्मली। आपका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी कि आपका एक्सीलेशन भी नेगेटिव आएगा। तो एक्सीलेशन आपका होता है वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वैल्यू क्या है, 20 है, सॉरी फाइनल वैल्यू आपकी क्या है, फाइनल वैल्यू है आपकी 5, ये मिल रही है ना आपको 5 लास्ट में 6 पे। तो ये फाइनल वैल्यू आपकी 5, इनिशियल वैल्यू है आपकी 20, जहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, अपॉन टी। टी कितना होगा आपका, टी होगा आपका 6, ये पूरा जो आपका टी है ना, इसको बोला है मैंने 6, ठीक है। तो इस टी के थ्रू ही हमने क्या निकाला, अब पूरा एक्सीलेशन हम कैसे निकालेंगे, माइनस 15/6। तो माइनस 15/6 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सीलेशन था। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा माइंड और यहाँ पे लगाने की ज़रूरत थी, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली मेथड के थ्रू हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो आपके तीन इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपका क्या शो करती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमने अभी पढ़ा है पिछले लेसन के अंदर। सेकंड है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलेशन एंड टाइम के बीच का ग्राफ है। ये क्या आपका पोजिशन टाइम ग्राफ है। उसके बाद आता है यानी थर्ड आपका, उसके अंदर है आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके अंदर आपका एक्सीलेशन, आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये सब इन्वॉल्व है। ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है आपका पोजिशन टाइम ग्राफ, ये है आपका पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन वाला ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूव करेंगे। बहुत इजी है वैसे, अगर किसी को पता भी है सिंपल, देख लो v एक्सीलेशन आपका होता क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो ए टी इक्वल टू v माइनस यू, और आपकी इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन ग्राफ के थ्रू अगर हम देखेंगे, ग्राफ के थ्रू आप यहाँ पे देख लो, ये आपका क्या है, ग्राफ है वेलोसिटी एंड टाइम का। इसके अंदर क्या है आपका यूनिफॉर्म, जो हमने पढ़ा था रेस्ट से स्टार्ट ना हो करके, वो जो रेस्ट से स्टार्ट ना हो करके जो वो थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हो रहा था, यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद आपका जो यूनिफॉर्म मोशन आ रहा था, उसके अंदर देख लेते हैं। जिसके अंदर हमने ये इसको माना था बी डी, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। पहले स्लोप ऐसे बनता है आपका, ठीक है, इसको आप ए मान लोगे, इसको आप डी, इसको आप सी। तो इसके अंदर हमने कैसे निकाल ली थी वैल्यू स्लोप की, तो स्लोप आप कैसे निकालते हो, स्लोप आएगा आपका बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। और बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी, ओके। यही तो सीखा था हमने, बस इसको यहाँ पे पुट करना है और कुछ नहीं करना है। जब आप यहीं पे इसको पुट करोगे ना, बी डी, ये जो आपका बी डी है ना, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ओके। और इस स्लोप के थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक्सीलेशन निकाल रहे हो टाइम के साथ, ओके। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये जो है आपकी, ये वाले जो पॉइंट है आपका,
ये भी किसको शो कर रहा है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी को. ओके, ज़ीरो से स्टार्ट होके यहाँ पे हो रही है ना ये स्टार्ट, तो ये आपके इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है यहाँ पर. तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी यू हो गया. ये टोटल आपकी वी हो गई, और ये जो आपका स्लोप है वो ए टी को दर्शा रहा है, यानी कि एक्सीलेशन को दर्शा रहा है टाइम के साथ. तो जब आप बी डी की वैल्यू पुट करोगे तो वी, सी डी की वैल्यू पुट करोगे, सी डी की वैल्यू आपकी यू, और ए सी की वैल्यू पुट करोगे ए सी, यानी कि आपका ओ डी. ओ डी ये इक्वल है ए सी आपका, ये दोनों पैरेलल है ना. तो ओ डी आपका क्या है, टी है. तो वी माइनस यू अपॉन टी, तो एक्सेलेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू. तो वी प्लस यू, सॉरी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका आंसर आ जाएगा. तो क्या है आपका, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका आंसर आ जाएगा. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई है. सिर्फ हमने क्या किया था, ग्राफ बनाया था ऐसे वाला, और उसको क्या किया, यहाँ से उसका स्लोप निकाला, ये अपने बी डी रखा, और फिर इसको बी डी में इसका जो स्लोप है यानी कि बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस बी डी में से सी डी को माइनस कर दिया. वो क्या है आपका, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका आंसर आ गया. बस सिंपल. देखो सेकेंड इक्वेशन भी बहुत सिंपल है. ये आपका डिस्टेंस को शो करता है, ठीक है. डिस्टेंस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यानी कि आपको इसके अंदर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल एरिया को निकालते हैं. टोटल एरिया हमने दो तरह से बताया था. एक तो मैंने बताया था कि आप रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया करके निकाल लो, या आप क्या करो इस पूरे ट्रेपीजियम को का एरिया निकाल लो, ठीक है. यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के थ्रू आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ. अगर आप चाहते हो कि रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल का भी बताना है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं उसको भी मेथड बता दूंगी. वैसे मैं पिछले जो हमारे लेसन है उसके अंदर बता चुकी हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल करके हम कैसे निकालते हैं. वैसे मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ. देखो जब भी आपको डिस्टेंस का एरिया निकालना है तो आप सिंपल क्या करोगे, या तो आप एरिया मान लो पूरे ट्रेपीजियम का, जिसको ट्रेपीजियम का एरिया नहीं आता है वो क्या करेगा, इस रेक्टेंगल को एरिया को, यानी कि आपका ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस ये आपका रेक्टेंगल का एरिया है, और ट्राइंगल का एरिया ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, इन दोनों का एरिया प्लस कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा. कुछ नहीं करना है. ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ये आपका हाफ बेस इंटू हाइट होता है. सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पुट करना है और कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा. अब मैं बताती हूँ, जो मैं सेकंड मेथड की बात कर रही हूँ ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के थ्रू, उसके थ्रू बताती हूँ कि उसके कैसे निकालते हैं. तो आपका जो ट्रेपीजियम है वो क्या है, ओ ए बी डी, ये आपका पूरा क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है. इस पूरे ट्रेपीजियम के थ्रू हम निकालेंगे अपना आंसर. कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इजी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ध्यान दो थोड़ा सा. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका होता क्या है, साइड सम ऑफ टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट अपॉन टू, ठीक है. ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. तो सम ऑफ टू साइड क्या होती है, दो पैरेलल साइड का जो सम है वो क्या है, वो आपकी जो दो साइड है वो है आपकी ओ ए और सेकंड है आपकी बी डी, ये दो आपकी पैरेलल साइड है. तो ओ ए प्लस बी डी, ये आपका सम हो गया साइड का. हाइट आपकी आ जाएगी ओ डी, ये आपकी आ जाएगी हाइट, ठीक है. तो जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, ओ ए की वैल्यू क्या है आपकी, यू है, यानी कि वन हाफ इंटू यू. फिर उसके बाद आप देखोगे प्लस बी डी की वैल्यू, यानी कि टोटल आपकी वैल्यू उसकी वी है, ओके. फिर आपने देखा इंटू एच, एच के आपका एच किससे डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ओ डी को किससे डिनोट किया हमने, टाइम से, इंटू टी, ओके. ये आया आपका. अब इसको सही से लिखते हैं क्या आया इसको, ये आ गया आपका डिस्टेंस डी. तो आपका डिस्टेंस कितना आया था, एस इज इक्वल टू हाफ
यू प्लस वी इंटू टी। ओके, तो अब हमें एक चीज़ और पता है कि v इज इक्वल टू होता है आपका u प्लस ए टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगेन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू पुट करेंगे, v इक्वल टू है आपका u प्लस ए टी। ओके, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एज इक्वल टू हाफ यू प्लस ए टी इंटू टी, ये आपको मिल गया। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना सही से तो आपको क्या मिलेगा, s इक्वल टू टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, ये आएगा आपको सोल्व करके। अब इसको और ज़्यादा जब आप सोल्व करोगे, तो जब इसको सोल्व कर रहे हैं ना तो क्या लिख रहे हो आप यहाँ पे, टू यू टी, ये t से इसको इंटू करेंगे, प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू। ओके, तो 2u t अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 को हम क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे इस वाले में। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे मिलेगा आपको यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको मिल गया। सिंपल, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एरिया ऑफ ट्रेपिज़म निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपिज़म की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है, फिर v की जगह आपको इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी वहाँ पे पुट करना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप वहाँ पे पुट करोगे, आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे मिलेगा। फिर आप इस t को इंटू करोगे इससे, ठीक है, t को इंटू करोगे ऐसे, इन दोनों को सेपरेट जब आप कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका आंसर है। इक्वेशन ऑफ मोशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे से करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी सिर्फ हमारी एक लास्ट इक्वेशन रह रही है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, वो भी क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू ही है। अब मुझे ये बताओ कि आपको सोल्व करके दिखाऊं वो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम जो मैंने निकाला था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू, चलो दिखाई देती हूँ। देखो, एक ही ग्राफ के थ्रू आपने सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस को सोल्व करा है, तो इस ग्राफ को काफ़ी अच्छे से याद रखना है दिमाग में। ओके, आप भी खरगोश बन के रेस्ट मत करने लगना, और जो कछुआ है वो जल्दी से भाग जाए, यानी कि प्रैक्टिस करते रहना इन इक्वेशन की, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ से आपका एग्जाम पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, यहाँ से आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको प्रैक्टिस करते रहना। अल्टरनेट मेथड क्या था आपका डिस्टेंस निकालने का, वो क्या था कि पहले हम डिस्टेंस को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया जो आता है आपके ग्राफ एंड टाइम एक्सिस का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, उसको हम डिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब मैंने पहले बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेपिज़ियम ओ ए बी डी के थ्रू हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस निकाला था। लेकिन आपने कहा कि सेकंड मेथड भी बताओ जिसके अंदर आप रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल के थ्रू भी निकाल सकते हो, जिसको एरिया ऑफ ट्रेपिज़ियम नहीं याद हो रहा है वो इसके थ्रू निकालें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कौन सा है, ओ ए सी डी, या आप क्या हो गया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ना, ओ ए सी डी। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है आपकी ओ ए है, ये ओ ए है ना लेंथ, और ब्रेथ क्या है आपकी ओ डी है। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपकी क्या हो गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट जब आप यहाँ पे करोगे, यानी कि ए सी जो आपकी बेस है, ए सी इंटू हाइट बी सी। ठीक है, ए सी इंटू बी सी आप यहाँ पे पुट करोगे, बी सी की वैल्यू जब भी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यहाँ पे आपकी बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको बी डी माइनस सी डी करना पड़ेगा। ओके, आपको यहाँ पे बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल है। वैसे इसके अंदर मैंने लिखा हुआ ही है बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, मतलब हम इस ट्राइंगल ऑफ ग्राफ से क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू जाएगी आपकी
वो v माइनस यू आएगी, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो याद रखनी है ये bc की वैल्यू, इसको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। ओके तो जैसे ही आप ये सब वैल्यू पुट करोगे ना, जैसे आपको OA जो है, OA आपको दे रखा है u, ये लिखा हुआ है ना, OA u दे रखा है, OD आपको दे रखा है t, AC क्या है आपका, AC भी तो आपका t ही है, AC भी आपको t ही दे रखा है, और BC की वैल्यू आपको निकालनी है। BC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस BD में से, यानी कि जो आपका BD है वो क्या आपका V है, और इस BD में से आपको ये CD माइनस करना पड़ेगा, यानी कि CD की वैल्यू आपकी है U, तो V माइनस U। तो जब आप इसको पूरा सोल्व कर लोगे ना, तो आपको मिलेगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिसको ये मेथड इजी लग रहा है वो इस मेथड से करे ये वाली इक्वेशन, जिसको एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम के थ्रू इजी लग रहा है वो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम के थ्रू करे। ओके अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन क्या आपकी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। इसका भी क्या है, डिस्टेंस इसके अंदर है आपकी, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम यहाँ पे डायरेक्ट लगाओ, सिंपल आंसर आपको मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम ओ ए बी डी, यानी कि ओ ए बी डी का हमें एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड अपॉन टू इंटू एच। दो पैरेलल साइड आपकी कौन सी है, वो ओ डी है, और आपकी क्या है, ये बी डी है। ठीक है, ओ डी आपको यू दे रखा है, ये यू यहाँ पे पुट कर दिया, बी डी आपको कितना दे रखा है, वी, या आपने यहाँ पे वी पुट कर दिया, ठीक है, इंटू टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टी की आपने देखा इस फॉर्मूले के अंदर कहीं ज़रूरत है, नहीं है ना, तो इस टी को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरी फॉर्म के अंदर। अब हमने क्या किया, जो आपकी इक्वेशन थी ना, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से इस टी की वैल्यू निकाली हमने। इस टी की वैल्यू क्या आई, वी माइनस यू अपॉन ए, फर्स्ट इक्वेशन से वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ओके तो जैसे ही हम u प्लस वी इंटू टी की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, v माइनस यू अपॉन ए, तो आपका क्या आ जाएगा, v प्लस यू बाय टू इंटू वी माइनस यू बाय ए। हमने v इधर ले लिया, पॉजिटिव है तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपका v इधर था। ओके तो जब आप इन दोनों को, ये क्या हो गया आपका, अगर इसे देखो, वी माइनस यू, वी माइनस यू, वी प्लस यू, वी माइनस यू, यानी कि a प्लस बी, ए माइनस बी का बोला गया है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसका क्या आता है, a प्लस बी, ए माइनस बी, आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है ना, मैथ्स तो आती होगी ना थोड़ी बहुत, तो यही मैथ्स आपको यहाँ पे लगानी है। ये क्या हो गया आपका, a प्लस बी, आपका a माइनस बी, ये जो आपका 2a है वो आपने इस वाली साइड ले लिया, तो 2as इक्वल टू हो गया अपना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको काफ़ी बार आप प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ही ज़्यादा आपको इजी रहेगा, वरना एंड में एग्ज़ाम टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वीडियोस देखो, जब तक समझ में नहीं आता है ना तब तक वीडियोस देखो, और फिर उसके बाद आँख बंद करके खुद से ट्राई करो लिखने की। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। आँख बंद करके ट्राई करने का मतलब है कि कॉपी पेन सब कॉपी वगैरह सब बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो उस टाइम पे, और खुद से अपने माइंड से सोल्व करके देखो। ओके जब आप खुद से सोल्व करते हो ना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो। ओके आपके लाइक से मुझे पता चल जाएगा मेरा लेसन आपके लिए यूज़फुल था भी या नहीं भी। ओके तो लाइक ज़रूर करना।